माइटी ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। इसकी आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे फाकिर जो कि एनी और हमजा को एक साथ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और घर आकर एनी पर बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है कि तुम अब शादीशुदा हो और गैर मर्दों से मिलना तुम्हारा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम हमजा से मिलने क्यों गई थी? मुझे मालूम है कि तुम हमजा को पसंद करती हो और हमजा भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अगर तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो मैं आज अभी और इसी वक्त तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। तब एनी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और फाकिर से कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं सिर्फ हमजा को समझाने गई थी क्योंकि एमन हमजा को बहुत ज़्यादा पसंद करती है और उसने मुझे कह दिया था कि मैं अगर हमजा मुझे ना मिला तो मैं अपने आप को मार डालूंगी और ख़ुदकुशी कर लूँगी। तो तब इसी वजह से मैं हमजा को समझाने गई थी कि एमन तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है तो तुम उसे शादी कर लो, अपने पेरेंट्स को हमारे घर लेकर आओ। लेकिन हमजा नहीं मानता और कहता है कि मैं तुम दोनों के जैसे ऐसे रिश्ते में नहीं बनना चाहता जिससे ना मैं मोहब्बत करता हूँ ना ही मैं पसंद करता हूँ। मैं हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहा हूँ और एमन को समझा देना कि वो मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। तो व्यूवर्स आपको लगता है कि अब इस ड्रामे को एंड हो जाना चाहिए नहीं? कमेंट सेक्शन में आकर मैं जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।